वहीं छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बजट में सैन्य सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया और रोजगार के वादे भी पूरे नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र ने राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इस बजट में हमारे राज्य या हमारे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। खाद्य मंत्री श्री भगत ने कहा कि बजट में रोजगार के नए आंकड़े पेश किए गए हैं, लेकिन इसके लिए कोई वास्तविक कार्य योजना नहीं बनाई गई है। केंद्रीय बजट बहुत ही निराशाजनक और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए बहुत उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन युवा ताकते रह गए। रोजगार का कोई उसमें उल्लेख नहीं। मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसको टैक्स में कोई छूट नहीं। उसी प्रकार जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों का आय दूना करने का जो बात था उसमें भी कोई पहल नहीं। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और लोगों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।